किसे बेचा आपने? अल्लाह के लिए बताइए हमारी बच्ची को किसे बेचा आपने? हम पूरी दुनिया ढूंढ लेंगे। बोलिए। नहीं पता, मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। नहीं जानती ना कि हमारी बच्ची कहाँ? जब आप हमारी बच्ची के बारे में कुछ जानती ही नहीं है तो आपको जिंदा रहने का क्या फायदा? आपको तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे अभी। हाँ, जिसे मैंने उस बच्ची को बेचा था उसकी एक चीज याद है मुझे। जल्दी बताओ क्या? बस ये हमें हमारी बच्ची का पता बताते, आपसे वादा करते हैं इसके बारे में आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं। अल्लाह के लिए जल्दी ढूंढो। क्या ये शायद उसी का पता है, उसका शायद गलती से गिर गया था। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। सीधे चलो, चलो। रुको यहीं पर। बुरी तरह गिरने के बाद ये कभी उठने की हिम्मत नहीं करेगी। वाह क्या बात है, आज बेगम साहिबा खुद चल के आई। क्या खिदमत की जाए आपकी। हमसे निकाह किया सिर्फ और
सिर्फ हमारी दौलत के लिए हमने अपने खून अपने बेटे का हक तुम्हारे नाम लिख दिया और तुमने क्या किया? हमारे सीने में खंजर भोंक दिया। तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम्हारा एक नाजायज बेटा है। का बदला अपनी जान देकर देते, लेकिन तुमने हमारे साथ क्या किया? ये सिला दिया हमारे एहसानों का। हमने तुम्हें इतने दिनों तक जिंदा रखा, तुम्हारी जान बख्श दी, और तुमने हमारे साथ ये खेल खेला। इससे तो बेहतर होता कि हम तुम्हें उसी दिन मार देते। ये सब छोड़ो, हम तुमसे बहुत प्यार से पूछ रहे हैं। हम बताओ कि हमारी बच्ची, हमारा जिगर का टुकड़ा, हमारी बेटी का, हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ हमारी बेटी कहाँ है? क्या किया तुमने हमारी जान के साथ, हमारी जान से बच्ची के साथ क्या किया? अल्लाह के वास्ते बोल दो कुछ। सुना तुमने? तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब बता दो हमारी बेटी कहाँ है, वरना हम वरना क्या? हमसे हमारी जिंदगी ले लोगे? तुमने हमसे हमारा परिवार छीन लिया, हमारा घर छीन लिया। अपने फायदे के लिए तुमने 20 साल से हमें यहाँ कैद करके रखा। अब हमें मौत से डर नहीं लगता, जो करना है करो, लेकिन हम तुम्हारी बेटी का पता कभी नहीं बताएंगे। नवाब, कभी नहीं। अब तुम्हें एहसास होगा कि अपनों को खोने का गम क्या होता है। उसी सजा से गुजर रहे हैं, उसी दर्द को महसूस कर रहे हैं। तुम शायद जानते नहीं, हमारा बेटा, हमारा रेहान मर चुका। हमारा रेहान मर चुका। अब हमारे जीने की उम्मीद सिर्फ एक, हमारी बेटी, सिर्फ हमारी बेटी। हम कैसे भी कर हमारी बेटी को ढूंढना चाहते हैं। हमें बताओ कि हमारी बेटी कहाँ है? कुछ भी हो जाए, हम अपनी बेटी को ढूंढ के रहेंगे। बताओ हमारी बेटी कहाँ है? तुमने बहुत से इंसानों को जख्म दिए, और ऐसे जख्म कभी भरते नहीं है। ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ेगी। आज तक तुम हमेशा जीतती आई हो ना, लेकिन अब तुम्हारी हार होगी, सबसे बड़ी हार। हमारी ये आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी नवाब। जानते हो क्यों? क्योंकि खेल के सारे मोहरे तनवीर हमेशा अपनी मुट्ठी में रखती है। अगर आज तुमने हमें ये नहीं बताया ना कि हमारी बेटी कहाँ है, कैसी है, तो अल्लाह कसम हम तुम्हारे बेटे आहे की जान लेते, मार डालेंगे तुम्हारे बेटे को, कह देते। तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, क्योंकि जो मुर्गी सोने के अंडे दे रही है उसे तुम कभी नहीं मारोगे। अगर ऐसा होना होता तो तुम उसे कब का मार चुकी होती। आज की तारीख में अहल जिंदा है, और ये इस बात का सबूत है कि तुम मेरी वसीयत का तोड़ नहीं निकाल पाई हो। सही कहा है तुमने नवाब। लेकिन नवाब साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमने उस वसीयत पर आहिल के दस्तखत पहले से ही करवा लिए। और रही बात उसकी बीवी की, तो वो तो हमारी कैद में है, और अपनी जुड़वा बहन को बचाने के लिए हम जहाँ कहेंगे वो वहाँ दस्तखत करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।